हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बॉलीवुड गपशप। आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त काजोल। सुपरस्टार शाहरुख खान के चर्चे हर गलियारे, हर मल्टीप्लेक्स और हर किसी की जुबान पर है, तो क्यों ना सुपरस्टार शाहरुख खान की बात ही कर ले। सुपरस्टार शाहरुख खान का अनदेखा एक्शन अवतार 4 साल बाद एक लार्जर देन लाइफ हीरो के तौर पर सिनेमा के पर्दे पर शाहरुख खान की वापसी और बेशरम गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा रंग की बिकनी को लेकर हुई कंट्रोवर्सी, जगह जगह विरोध के चलते फिल्म पठान को जो हाइप क्रिएट हुआ था, एक फिल्म के तौर पर इस हाइप की कसौटी पर कितनी खरी उतरी है पठान, चलिए आपको बता देते हैं। इसका जवाब बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के सुपर सक्सेस ने दे दिया है, लेकिन पठान में आखिर ऐसा क्या कुछ है कि हर किसी की जुबान पर पठान और सिनेमाघरों में एक लंबे समय बाद फिल्म देखने वाले दर्शकों की भीड़ नजर आ रही है। बॉलीवुड की एक मेन स्ट्रीम मसाला फिल्म के तौर पर शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टार फिल्म पठान फिल्म देखने लायक है। भले ही आप फिल्म की देशभक्ति से परिपूर्ण और एक्शन से भरपूर कहानी और एक के बाद एक आने वाले हैरतअंगेज एक्शन सीक्वेंस से पूरी तरह से कंसीव हो या ना हो, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले एक देशभक्त रॉ एजेंट और किसी विशेष परिस्थिति में एक अन्य रॉ के एक एजेंट के दुश्मन बन जाने की पठान की साधारण सी लगने वाली कहानी को निर्देशक यानी कि डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद ने बेहद दिलचस्प और असाधारण तरीके से फिल्मा दिया है। इसी के साथ शुरू से लेकर आखिर तक फिल्म में आने वाले ट्विस्ट और टर्न्स आखिरी दम तक फिल्म में जान फूंक के रखते हैं और ऑडियंस के इंटरेस्ट को बनाए रखने में कामयाब होते हैं। दर्शकों को कुछ ऐसा देखने का एहसास कराते हैं जो हिंदी सिनेमा के पर्दे पर पहले कभी नहीं देखा गया हो। यही पठान के सुपर सक्सेस की सबसे बड़ी वजह साबित हो रही है। फिल्म में सबसे ज्यादा देखने लायक अगर कुछ है तो वो है शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और एक खास कैमियो करने वाले सलमान खान पर फिल्माए गए एक्शन और फाइट सीक्वेंस। पठान में एक के बाद एक आने वाले एक्शन सीन्स को बड़े ही हैरतअंगेज ढंग से विजुअलाइज और भव्य ढंग से पिक्चराइज किया गया है। पठान के कुछ एक्शन सीक्वेंस तो ऐसे हैं जिनके बारे में किसी के लिए कल्पना कर पाना भी बेहद मुश्किल है। इस तरह के अविश्वसनीय अद्भुत से लगने वाले एक्शन सीक्वेंस को हमें अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में ही दिखाई देते हैं। पठान का एक्शन जमीन से लेकर हेलीकॉप्टर, प्लेन, अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती ट्रेन और ठंड से जम गई एक झील यानी हर कहीं पर होते हुए दिखाई देते हैं, जो दर्शकों को रोंगटे खड़े हो जाने का एहसास दिलाता है। कई मशहूर हॉलीवुड फिल्मों के स्टंट डायरेक्टर केसी ओनिल द्वारा कोरियोग्राफ किए गए पठान के एक्शन सीन्स अविश्वसनीय, रोमांचक होने के साथ साथ कम हैरतअंगेज नहीं है और फिल्म की कामयाबी में इन एक्शन सीक्वेंस का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्हें बढ़िया वीएफएक्स के साथ बखूबी अंजाम दिया गया है। फिल्म के एकदम एक्साइटेड कर देने वाले एक्शन सीक्वेंस की तरह ही श्रीधर राघवन की रोमांचक पटकथा और अब्बास ट्रायरवाला के डायलॉग्स पठान को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। फिल्म में आने वाले ऐसे ट्विट्स और टर्न्स हैं जिसे सीटी बजाओ डायलॉग्स की बदौलत भी ये फिल्म बड़ी तादाद में दर्शकों को अपनी तरफ खींचने में कामयाब साबित होती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आपको बता दूं तो फिल्म हिट अवाज। सुपरस्टार शाहरुख खान को उनकी इमेज के अलग एक एक्शन स्टार के तौर पर पेश करना, क्योंकि शाहरुख खान की जो इमेज बनी हुई है बहुत ही सॉफ्ट, केयरिंग, लवेबल, एक हीरो के टाइप में बनी हुई है। जॉन अब्राहम के रूप में शाहरुख की बराबरी में उतना ही ताकतवर विलन खड़ा करना, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की एक्स एजेंट के रूप में दीपिका पादुकोण को एक अनदेखे स्किल सेक्सी और इंटेलिजेंट अंदाज में पेश करना फिल्म का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो रहा है। फिल्म बढ़िया कहानी, सुनने लायक संवाद, अच्छे स्क्रीन, अच्छा संगीत, रोचक बैकग्राउंड स्कोर और उम्दा डायरेक्शन के बूते अंदाज में दर्शकों को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब साबित हो रही है। पठान के निर्देशक सिद्धार्थ आनंद ने करियर के शुरुआती दिनों में तारा रमपम, सलाम नमस्ते, अनजाना अनजानी जैसे रोमांटिक फिल्में बनाई थी और बाद में उन्होंने बैंग बैंग, वॉर जैसी एक्शन फिल्में डायरेक्ट कर खुद को एक एक्शन डायरेक्टर के तौर पर साबित कर दिया है। 4 साल पहले आई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टारर वॉर की अपार सफलता एक निर्देशक के तौर पर सिद्धार्थ आनंद की काबिलियत की पहचान बन गई है। कुछ खबरों की माने तो वॉर के साथ बतौर निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की खूब तारीफ की गई। अब सिद्धार्थ आनंद ने पठान को मिली अभूतपूर्व कामयाबी के जरिए एक बार फिर से साबित कर दिया है कि मेन स्ट्रीम फॉर्मेट में मसाला और एक्शन फिल्म बनाने के मामले में
वो बाकियों से बहुत अलग है। इस बात में कोई शक नहीं है कि फिल्म पठान में बेशरम रंग गाने को लेकर जबरदस्ती पैदा किए गए विवाद और बॉयकॉट की धमकियों से फिल्म की बड़ी पैमाने पर मुफ्त में हुई पब्लिसिटी ने शाहरुख और दीपिका के फैंस में फिल्म देखने के लिए और ज्यादा क्रेज पैदा किया। मगर ये भी उतना ही सच है कि एक बॉलीवुड मसाला फिल्म के तौर पर पठान दर्शकों की उम्मीदों से कहीं ज्यादा एंटरटेन करने में कामयाब हो रही है, जिसके चलते फिल्म अपनी रिलीज के एक हफ्ते के भीतर ही देसी बॉक्स ऑफिस पर हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म बन गई है। तो यानी कि आप भी अगर फिल्म नहीं देखी है पठान तो जाइए अपने आसपास के सिनेमाघरों में, क्योंकि जानकारी तो ये भी मिल रही है कि अब फिल्म के जो टिकट्स हैं काफी सस्ते हो गए हैं। तो जल्दी जल्दी वीकेंड पास है, आप जाइए और एंजॉय कीजिए। फिलहाल के इतना ही, ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए आप देखते रहिए बॉलीवुड गपशप।